वेलकम टू माय चैनल शिखास किचन चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमारे आसपास कुछ ऐसी वनस्पतियां पाई जाती हैं जिनका आयुर्वेद में बहुत ज़्यादा महत्व है, परंतु जानकारी के अभाव के कारण दोस्तों हम इन्हें खपतवार समझकर फेंक देते हैं। आज मैं आपके साथ एक ऐसी ही जड़ी बूटी, एक ऐसे ही औषधि गुण वाले पौधे के बारे में जानकारी शेयर कर रही हूँ। हो सकता है आपके घर के आसपास भी ये पौधा लगा हो, खासकर बारिश के मौसम में ये जगह जगह सड़कों के किनारे, खुले मैदानी इलाकों में बहुत आसानी से लग जाता है। तो चलिए, आज मैं आपको इसके चमत्कारिक गुण के बारे में बताऊंगी, किन किन बीमारियों में फ़ायदेमंद है। सभी बीमारियों का आपको मैं डिटेल में बताऊँगी दोस्तों कि किन किन बीमारियों में इनका प्रयोग कैसे करना है, ताकि आपको पूरी जानकारी हो सके। तो ये जो पौधा है जिसका आयुर्वेद में बहुत ज़्यादा महत्व है, बहुत सी आयुर्वेदिक जो दवाइयाँ होती हैं दोस्तों, इनमें इसका प्रयोग किया जाता है। और ये पौधा है अपामार्ग। अपामार्ग, अधेड़ी, चिरचिटा, बहुत सारे इसके नाम हैं दोस्तों। हर क्षेत्र में लठजीरा, अलग अलग नामों से इसे पुकारा जाता है क्षेत्रीय भाषा में। आपके क्षेत्र में इसे क्या कहते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो इस पौधे को आप ध्यान से देखिए दोस्तों, इसकी पत्तियों को देखकर अंदाज लगा सकते हैं। इसकी चाहे पत्ती हो, चाहे इसका स्टेम हो, चाहे इसके बीज हो, चाहे इस पौधे की जड़ हो, सारी चीज़ें इसे कह सकते हैं पंचक। पंचक मतलब इसकी पाँचों चीज़ें बहुत ही उपयोगी होती हैं। बहुत सी दवाइयों में का प्रयोग किया जाता है इसके पंचक का। पंचक इसकी पत्तियों का, इसके पत्तियों का रस निकालकर, इसकी डंडियों का दातुन करके दांतों के कीड़े को बाहर निकाला जाता है। साथ ही साथ दोस्तों, इसके जो बीज होते हैं इसे पीस कर लगाने से कोई भी पुरानी से पुरानी गठान है शरीर में, तो गठान भी बिल्कुल बर्फ के जैसे पिघल जाती है। तो सभी का प्रैक्टिकल यूज करके बता रही हूँ दोस्तों। कुछ इसकी स्टेम को मैं काट के लाई हूँ, मेरे तो घर पर ही लगा है, शायद आपके आसपास भी घर के यह लगा हो। अपामार्ग, लठजीरा, चिरचिटा, इतने सारे नाम से इसे जाना जाता है दोस्तों। तो ये बहुत ही अमूल्य औषधि है दोस्तों, इसकी जानकारी हमें होना चाहिए। कुछ पौधे जो हमारे आसपास लगे होते हैं ना दोस्तों, हम इन्हें घास फूस समझकर फेंक देते हैं कि अरे ये हमारे क्या काम के, इन्हें उखाड़ कर फेंक दें। परंतु औषधि गुणों के बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। आप इस्तेमाल करें ना करें, परंतु जानकारी ज़रूर लें। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने कुछ पत्तियाँ ले ली है, खूब अच्छी तरह से मैं इन पत्तियों को पहले धो लूँगी। दोस्तों, यदि आपके दांतों में दर्द है ना, तो दांतों के दर्द के लिए इनकी पत्तियों को चबा लें, आप दांतों का दर्द ठीक हो जाएगा, दांतों का कीड़ा मर जाएगा दोस्तों। पायरिया जैसी बीमारी को दूर करता है चिरचिटा की पत्तियों का रस। शरीर में कोई गठान है, मान लीजिए आजकल तो शरीर में जैसे कहीं कहीं हमारे शरीर में कोई गठान निकल जाती है जिसे चर्बी की गठान कहते हैं, यदि गठान साधारण है दोस्तों, तो आप घरेलू इलाज से शरीर की गठान को तेजी से पिघला सकते हैं। बिल्कुल जो गांठ है ना दोस्तों चर्बी वाली, वह तेजी से गल जाएगी। वैसे तो गठान होती है तो थोड़ा हमें डर लगता है, आप तुरंत ही डॉक्टर से परामर्श लें, डॉक्टरी चेकअप जरूर कराएं आप लोग। परंतु जो छोटी मोटी गठान है जिसे दबाने से इधर उधर हिलती रहती है, कोई डर नहीं है। कई बार हमारे शरीर में चर्बी का जमाव हो जाता है तो लिपोमा कहा जाता है, शरीर में जो गठान होती है उसको भी आप इसकी पत्तियों का पेस्ट लगाकर, एक सप्ताह तक के पेस्ट लगाएंगे गठान में, तो गठान भी आसानी से बैठ जाएगी, गल जाएगी। और ये जो डंडिया है ना दोस्तों, अपामार्ग के जो स्टेम है, हिंदुओं में एक त्यौहार आता है ऋषि पंचमी, बस आने वाला है दोस्तों, बस इसी महीने में आएगा ये ऋषि पंचमी। तो इस त्यौहार में इसकी दातुन की जाती है दोस्तों, हम सभी स्त्रियां महिलाएं इसकी दातुन करते हैं, शायद आपके क्षेत्र में भी इसका प्रयोग किया जाता होगा। तो ये जो अपामार्ग होता है, इसकी स्टेम से दातुन करते हैं, दांतों का कीड़ा मर जाता है, मसूड़ों में सूजन है, मसूड़ों से खून निकलता है। इसकी पत्तियों का रस यदि लगा लेंगे या कुछ पत्तियों को चबा लें, टाइम नहीं है कि पत्तियों को धोएं, कूटें, पीसें, रस निकालें, दो पत्तियों को चबा लें, दांत का दर्द, दांत के कीड़े से आपको बहुत ही जल्दी आराम मिल जाएगा। तो लठजीरा अपामार्ग जो होता है दोस्तों, ये बहुत ही बढ़िया एक दिव्य औषधि है दोस्तों। बहुत से लोग गांव में क्या करते हैं, जैसे कि अभी तो बारिश का मौसम है तो चारों तरफ ये चिरचिटा लगा हुआ है, अपामार्ग लगा हुआ है दोस्तों, तो आपको ताज़ी ताज़ी इसकी हरी डंडियां मिल जाती हैं दातून करने के लिए। परंतु गांव में क्या करते हैं दोस्तों, जब इसका मौसम नहीं रहता, गर्मी के मौसम में नहीं उगता है ये, बारिश में ज़्यादा उगता है, तो इसकी जो स्टेम को सुखा कर रख लेते हैं और रात को क्या करते हैं, इसकी डंडियों को पानी में भिगा देते हैं, फुला देते हैं, और सुबह उठकर ये डंडियां पानी में फूल जाती हैं और बस इसका दातून कर लेते हैं। दांतों से संबंधित सारी बीमारियां दूर होती हैं दोस्तों।
शरीर में कहीं खुजली है, दांत खाज खुजली में इसका रस लगा लें। यकीन मानिए दोस्तों, आपका दांत खाज खुजली किसी भी तरह का चर्म रोग ठीक हो जाएगा। आपको लिपोमा है, गठान है शरीर में, तो इसका पेस्ट लगा लें पत्तियों को पीस कर। दांत में दर्द है, चबा लें या इस तरह से एक छोटा सा रुई का टुकड़ा ले लें और रस में डुबा लें, और इस रुई के टुकड़े को आप अपने दोनों दांतों के बीच में अच्छी तरह से दबाकर थोड़ी देर रखें। ये रस जैसे ही दांतों में मसूड़ों में लगेगा, दांत का कीड़ा भी निकल जाएगा, दांत का दर्द ठीक हो जाएगा। ये बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है दोस्तों, मतलब इसका बहुत ज़्यादा, इसीलिए तो इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टी है, इसे अमृत कहा जाता है दोस्तों। बहुत से रोगों को दूर करता है चिरचिटा, अपामार, लटजीरा, और बहुत ही मतलब रामबाण ये औषधि है। आपके क्षेत्र में जो बोलते हैं मुझे नाम जरूर बताइएगा दोस्तों कि क्या बोलते हैं। और दांतों के दर्द के लिए तो बहुत फ़ायदेमंद है, शरीर की गठान को गलाता है और शरीर में जो भी हमें चर्म रोग होता है उसे बहुत ही तेज़ी से ठीक करने का काम करता है। गांव में तो इसकी पत्तियों को सुखा कर भी रख लेते हैं दोस्तों, पाउडर बनाकर रख लेते हैं। तो चर्म रोग में इसके पाउडर को लगाएं, मतलब थोड़ा गीला करके, फ्रेश पत्तियां मिले मेरे जैसी तो इस तरह से दांत खाद खुजली में लगाएं, जहां गठान है वहां पर लगाएं। गठान की जगह पर आप पत्तियों को कुचल कर उसका पेस्ट लगा सकते हैं, चाहे तो कोई कपड़ा बांध लें ताकि वो पेस्ट इधर उधर हिलने ना पाए। तो बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। बहुत लोग तो इसकी पत्तियों को पानी में उबाल कर छान कर उस पानी से कुल्ला करते हैं। मुंह में यदि छाले हैं दोस्तों तो मुंह के छाले भी दूर होते हैं। तो थोड़ी सी पत्तियों को मैंने इस तरह से आपको कुचल कर रस निकाल कर दिखाया है, चाहे तो दो चार बूंद पानी की डाल दें ताकि रस आसानी से निकल सके। तो रस भी लगा सकते हैं, पत्तियों को उबाल कर कुल्ला करेंगे तो मुँह के छाले, दांत का दर्द, दांत के कीड़े से आपको तुरंत ही आराम मिलेगा। तो देखा ना दोस्तों कितनी ज़्यादा अमूल्य है ये अपामार्ग का पौधा, लटजीरा, कितने सारे इसके औषधीय गुण हैं। और मुंह के रोगों के लिए तो दोस्तों ये बहुत ही रामबाण है। साथ ही साथ आप अपने शरीर में यदि किसी भी तरह की कोई भी गठान है तो उसे यह चिरचिटा का पौधा जो है, इसकी पत्तियां जो हैं, बिल्कुल ही ठीक कर देती हैं। ये देखिए इस तरह से लिपोमा, जहाँ पर शरीर पे गठान है वहाँ पर लगाना है, रात भर लगाएं, कोई पट्टी बांध दे। सुबह उठेंगे ना आपको लगेगा अरे गठान दब गई। कम से कम आप एक सप्ताह इसका जरूर इस्तेमाल करें, कोई डर वाली चीज़ नहीं है दोस्तों, ये बहुत फ़ायदेमंद होता है, इसीलिए तो दांत खाज खुजली में आराम मिलता है। एंटीबैक्टीरियल, एंटीफंगल प्रॉपर्टी होती है लटजीरा में, चिरचिटा में। और साथ ही साथ दोस्तों आप किसी भी घाव में लगाएंगे, मान लीजिए कोई पुराने से पुराना घाव है उसमें भी लगाएंगे तो घाव बहुत जल्दी भर जाता है। इसका एक चम्मच रस यदि बच्चों को देते हैं तो बच्चों को यदि पेट का कीड़ा है, पेट में कीड़े लग गए हैं, तो कीड़े से भी राहत मिलेगी, पेट के कीड़े भी तुरंत ही ठीक हो जाते हैं, इतना ज़्यादा फायदेमंद है। गाँव में तो पीलिया होता ना, तो इसकी पत्तियों का पानी, पानी में उबाल कर इसका पानी दिया जाता है दोस्तों, पीलिया ठीक होता है, लीवर की समस्या खत्म होती है, मोटापा को कंट्रोल करता है। आयुर्वेद में त्वचा रोग में, सांप के काटने, बिच्छू के काटने में इसका प्रयोग किया जाता है। बवासीर में भी इसकी पत्तियों का पेस्ट यदि बवासीर के मस्से पर लगाएं तो ठीक होता है। तो दोस्तों ये जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ मेरे चैनल शिखास किचन को यदि अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ ही साथ ये जो पौधा, इसके बारे में जानकारी अच्छी लगी हो तो सबके साथ शेयर जरूर करें। इसके जो बीज होते हैं ना दोस्तों, कहीं लोगों को बोलते हैं हमारे कपड़ों में चिपक जाते हैं इसके बीज, तो वीडियो को लाइक करें।